student, let's start our today's class in which we will discuss our ncrt questions of civics chapter 8, that is, confronting marginalization. lakshavita read first question. yes, ma'am. list two fundamental rights in the constitution that dalits can draw upon to insist that they be

प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन कास्ट रेस एक्सेट्रा ओके और ये जो चैप्टर जो सॉरी पेज फोर्टीन आपको गिवन है ये पेज नंबर फोर्टीन पे आपको कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे उसमें से क्या है आपकी हेल्प हो सकती है ये पेज नंबर फोर्टीन ये ये आर्टिकल्स हैं जिसमें से आपको बताना है कि माइनॉरिटी पीपल्स के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं एज सेफ गार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैम क्या आवाज आ रही किसी को डिस्कनेक्ट हो no i'm here in the class only yes students oh sorry i was muted sorry sorry read out next question Meta. yes ma'am reread the story on ratnam as well the provisions of 1989 scheduled caste and scheduled tribe एक्ट नाउ लिस्ट वन रीजन व्हाई यू थिंक ही दिस फाइल अ यस सो रतनाम की स्टोरी हमने पढ़ी थी ठीक है वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे एससी एस वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो उस स्टोरी में उन्होंने क्या किया था जो एक्ट था नाइनटीन एटी उसके अगेंस्ट ही केस फाइल किया था उसके अकॉर्डिंग ही केस फाइल किया था मतलब तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन्होंने ये आर्टिकल ही सॉरी ये एक्ट ही क्यों यूज किया था क्यों यूज किया था ये हमारे क्या गाइडलाइंस है 1989? अनुराग कैन यू आंसर मैम पता नहीं बचे एक्ट 1989 है विच प्रोहिबिट्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी जो एक्ट है वो आपका 1989 के अंडर आता है जिसके रिगार्डिंग जो भी दलित पर्सन है या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पीपल हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई मिसबिहेव करता है नेगेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं यही वो एक्ट है जो दलित पर्सन या फिर एस सी एस टी माइनॉरिटी पीपल्स को उनके राइट्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है कल हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए थे कल हमने एक केस भी जो एक्ट है नाइनटीन एटी नाइन वो भी हमने डिस्कस किया था याद है आपको कुछ जिसमें हमने वो सारे केसेस जैसे रिलीजियस राइट right हो गया और आपका इकोनॉमिक राइट right हो गया और आपका ये जो था नॉन वेज वगैरह वे का एग्ज़ाम्पल दे भी मैंने आपको समझाया था समझाया था ना याद है आपको कुछ yes, हाँ जी तो ये सारे केसेस yes, आते हैं ये सारे केसेस आते हैं आपके इनके अंडर इस एक्ट के अंडर ठीक है तो ये यही बोल रहे हैं कि उन्होंने वही एक्ट क्यों चूज किया था आपका तो वो एक्ट इसलिए चूज किया था क्योंकि इस ये जो एक्ट है यही आपको चलिए रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आदिवासी इंक्लूडिंग सीके जन यू बिलीव दैट आदिवासी कैन ऑल्सो यूज 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट दिस Is there anything specific in the provisions of the Act that allows her to believe this? ओके okay, तो सी के जानू एक, एक एक्टिविस्ट थी और उन्हों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव किया है मतलब वो एक्ट जो 1989 है उस पर फुली ट्रस्ट करते हैं तो क्या इस एक्ट में ऐसे कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से उनको इतना ट्रस्ट है इस एक्ट पे जिसके लिए वो सजेस्ट भी करते हैं कि अगर किसी को केस फाइल करना है तो वो इसके ही केस फाइल कर सकते हैं तो ऑफ़कोर्स बेटा ये जो एक्ट है आपका 1989 ये सेफ प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी पीपल्स को और अगर इनके अगेंस्ट कोई भी केस होता है किस, मतलब किसी को केस फाइल करना होता है तो वो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं केस फाइल कर सकते हैं ठीक है इसलिए उन्होंने बोला है कि हाँ मुझे भी इस ये जो एक्ट है उस पर इतना बिलीव है क्योंकि ये सबको क्या प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है और इसके अकॉर्डिंग अगर किसी के साथ भी मिसबिहेव होता है या किसी के राइट्स वॉयलेट होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे केस फाइल करके अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं फाइट कर सकते हैं ओके okay? समझ यस मैम यस रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम एंड द सॉन्ग इन दिस यूनिट अलाउ यू यू टू सी द रेंज ऑफ वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस Their anger and their sorrow. In class, do the following two exercises. A. Bring to class a poem that discusses a social issue. Share this with your classmates. Work in small groups with two or more poems to discuss the point trying to communicate. B. Identify a marginalized community in your locality. Write a poem or song or draw a poster. आपको कोई भी पोयम लेके आनी है जिसमें ये जो मार्जनलाइज कॉम्युनिटी होती है इसके रिगार्डिंग कोई भी पोयम ठीक है अगर क्लास में होते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा ज्यादा बेटर तरीके से हो पाता क्योंकि वहां पे फिर क्या करना है हमें वो जो पोएम है अपने क्लास को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करके अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करनी है डिस्कस करनी है और जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपकी जो कम्युनिटी है जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अगर वहाँ पर कोई है तो आपको उनके रिगार्डिंग या तो कोई स्लोगन लिखना है या फिर कोई आपको पोएम लिखनी है या फिर आप कोई वो भी कर सकते हो आ, हाँ जी स्लोगन है आर्टिकल है और आपकी पोयम है सर जो जिसमें भी आप सूटेबल हो आप उसके लिए जा सकते हो लेकिन उसमें बनाना क्या है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी आपको फील करना है कि आप उस कम्युनिटी के क्या हो मेम्बर हो और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है कि अगर आपके साथ इस तरीके की आ, मतलब आपको डोमिनेट किया जाए या फिर आपको इस तरीके से आपके राइट्स को वॉयलेट किया जाए सो हाउ यू फील फील ठीक है रीड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यस मैम मैम क्वेश्चन खत्म हो गए ओके ओके इतने क्वेश्चन थे आपके फ़ाइन बेटा फाइन सो आज की क्लास में हमें एनसीआर टी क्वेश्चन से डिस्कस करने थे एंड क्वेश्चन आर ओवर सो फ्रॉम माई साइड योर क्लास इज ओवर बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू कैन आस्क एंड थैंक यू फॉर द क्लास बेटा